साहब नमस्कार। अभी हम यहाँ जायसवाल हॉस्पिटल में हैं, जहाँ इस हॉस्पिटल को कोरोना सेंटर बनाया जा रहा है। इसके खिलाफ स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन करना शुरू किया है। आप देख सकते हैं यहाँ कितने लोग जमा हैं, नर्स भी जमा है। उनका कहना है कि अगर इसको कोरोना सेंटर बनाया जाता है तो फिर यहाँ के सारे लोग कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं, इसलिए उन लोगों ने यहाँ प्रदर्शन करने का फैसला किया है। काम बंद करने का की धमकी दी है। हम बात करेंगे यहाँ के नर्स हैं जो इस हॉस्पिटल में काम करती हैं, ये यहाँ की नर्स है, और उन लोगों ने कहा है कि हम काम नहीं करेंगे। हमें आज के डॉक्टर देखाते एलम इसे सुनल कल थे जयसवाल हॉस्पिटल कोरोना हो जाए, কিন্তু আমার কাছে কথা হচ্ছে কোথায় যাব আমরা, করোনা যদি জয়সওয়াল হসপিটালটা হয়ে যায় আমরা কোথায় যাব? বলছে হাওড়া যাবেন, হাওড়া গিয়ে তো সমস্যা মিটবে না, আজকে ওষুধ নেই, আজকে ডাক্তার আসেনি। সেই পয়সাটা তো বড় কথা নয়, সময়টা বের করা অনেক বড় কথা, কিন্তু তারপরে হচ্ছে ডেলিভারি পেশেন্ট নিয়ে কোথায় যাব, বাচ্চাদের পোলিও খাওয়াবো কোথায়? আমি এখানে দেখাচ্ছি আমার সমস্যা হয়েছে, আজ 3 মাস আগে গলবেড়ারে স্টোন হয়েছে, আমাকে এখান থেকে হাওড়ায় পাঠালো, হাওড়া থেকে আমাকে মেডিকেল পাঠিয়েছে, মেডিকেল থেকে পিজি পাঠিয়েছে আমার হাতের অবস্থা খারাপ বলে। তাহলে আমি যেই 4টে হসপিটাল ঘুরছি, আর যে হসপিটাল মেডিসিন ওয়ার্ডেটা আছে জয়সওয়াল হসপিটালটা, তা সেইটা যদি করোনা হয়ে যায় আমরা কোথায় যাব? করোনা আমরা এই হসপিটালকে করতে দেব না। आप देखें, इन्होंने कहा है कि इसको हम कोरोना सेंटर होने नहीं देंगे। हम और बात करते हैं और वो भी बताएंगे, अपना नाम भी बताएंगे। हाँ, मेरा नाम अरुण तिवारी है। मेरा बोलने का कहना ये है कि यहाँ ये नर्स लोग ये नहीं बोल रहे हैं कि हम कोरोना हॉस्पिटल होगा तो हम संक्रमित हो जाएंगे, बात ये नहीं है। बात यहाँ ये है कि यहाँ और दूसरा इलाज का पेशेंट कहाँ जाएगा, और सबसे बड़ा बात है इस हॉस्पिटल में पानी लग जाता है, ये पानी पूरा घुसड़ी जसवाल सब जगह जब पानी होता है चल जाता है। तो अगर ये कोरोना हॉस्पिटल हो जाएगा तो ये जल तो जाएगा पूरा एरिया, तो इससे तो पूरा एरिया प्रभावित होगा। इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको कम से कम कोरोना हॉस्पिटल नहीं किया जाए, अगर इसका व्यवस्था अच्छा से किया जाए, सरकार इसका पूरा ठीक से करे, जल न लगे, पानी न लगे, तब यहाँ कुछ भी करें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि यहाँ जल जम जाता है और ये पानी पूरा एरिया में जाता है। तो ये आपने देखा, आपने सुना कि ये किस तरह से कह रहे थे कि यहाँ पर जो है अगर इसको कोरोना सेंटर किया जाता है तो ये चारों ओर इसका जल जाएगा और इससे लोग संक्रमित होंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कितनी भीड़ है, कितनी भीड़ है ये यहाँ पर, ये सभी जो है कोरोना सेंटर के खिलाफ जो है उतरे हुए रास्ते पर। इनका कहना है कि कोरोना सेंटर, हम और भी बात करेंगे। आइए, आप नाम बताइए और ये बताइए कि आप क्यों इसके विरोध में। शबाना सैयद, मैं हावड़ा शिवपुर से आई हूँ। मैं इससे पहले सुनी थी कि इस हॉस्पिटल में डॉक्टर्स नहीं हैं और मरीजों का इलाज नहीं हो रहा है, यहाँ पे एक्सरे बंद है। तो मैं 24 दिसंबर को हेल्थ ऑफिसर को मैं ये लेटर दी थी और उनसे ये मैं दरख्वास्त की थी कि यहाँ पे वो डॉक्टर्स दें ताकि लोगों को उनका इलाज हो सके, यहाँ लोगों का इलाज हो सके, डॉक्टर्स दें, एक्सरे वगैरह का इंतज़ाम करें। लेकिन अभी सुनने में ये आया है कि यहाँ जो महिला है, जो गर्भवती महिला है, उनका यहाँ पे इलाज हो रहा है। तो अब ये बताइए, अभी सुनने में आया कल वो सुख जी जो हैं, इन्होंने ये सोशल मीडिया पे इन्होंने ये किया है कि ये कोरोना हॉस्पिटल बनेगा। अब ये बताइए, यहाँ के जितने लोग हैं ये सारे कहाँ जाएंगे? यहाँ पे पिलखाना, ये आपको घुसड़ी इलाका, ये आपको सलकिया इलाका, यहाँ के इतने सारे लोग कहाँ पे इलाज के लिए जाएंगे? यही एक हॉस्पिटल है इनके लिए। आधी रात को अगर औरतों को, महिला को ज़रूरत पड़े, प्रेगनेंट औरतों को ज़रूरत पड़े तो वो कहाँ जाएंगी आधी रात को? ये बगल में तो ये पास में है, ये कोरोना हॉस्पिटल नहीं बनना चाहिए, क्योंकि कोरोना हॉस्पिटल उस जगह पर बनता है जहाँ पर सुनसान हो। जाइए आप कहीं और, दूसरी जगह आप ढूंढिए। मैं ममता बनर्जी से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि वो कहीं ऐसा जगह देखें जहाँ पे कम आबादी हो, वहाँ पे वो कोरोना हॉस्पिटल के लिए तैयार हो, वहाँ पे लोगों को रखिए, कोरोना पेशेंट को रखिए। हम नहीं कहते कि आप कोरोना पेशेंट को रखिए मत या कहीं भी, वहाँ रखिए क्योंकि उनके लिए भी ज़रूरी है इलाज। लेकिन यहाँ जो स्वस्थ लोग हैं, जो अच्छे सही सलामत लोग हैं, उनको और फैलाइए मत, कोरोना बहुत बढ़ चुका है। अब हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं ममता बनर्जी जी से, प्लीज़ इस हॉस्पिटल को हॉस्पिटल रहने दीजिए, कोरोना वायरस के लिए मत बनाइए। उत्साह के साथ चारों ओर बढ़ रहा है, उसमें कोई कमी और रुकावट नहीं आई है, कोरोना कहीं कम नहीं हुआ है, कोरोना कहीं घटा नहीं है। साथ ही हम देख रहे हैं, मैं जिस इलाके में खड़ा हूँ अभी,
यहाँ पास में जयसवाल हॉस्पिटल है और ये जयसवाल हॉस्पिटल के आमने सामने चारों तरफ दुकान है, रहायशी इलाका है, यहाँ चारों तरफ जनसंख्या काफ़ी मात्रा है, जनसंख्या है। बाली विधानसभा केंद्र यहाँ से प्रारंभ होता है। मित्रों, यहाँ अगर हॉस्पिटल बनती है, यहाँ जबकि पार्श्व में एक हॉस्पिटल और है सत्य वाला, यहाँ एक और हॉस्पिटल बनाई जा रही है जिसमें लगातार देखा जाए इस हॉस्पिटल की जो कंडीशन है हावड़ा जनरल हॉस्पिटल से भी बदतर है। इसमें पानी की इतनी मात्रा यहाँ जमा होती है, बारिश के मौसम में यहाँ से निकलते हैं तो पांव रखने की यहाँ जगह नहीं होती है, यहाँ पूरा पानी का तालाब बन जाता है और पूरे इस एरिया में पांव रखना और न गाड़ी चलाना न बसें चलना एकदम पूरा दूभर हो जाता है। उस स्थिति में सोचिए यहाँ की सीरिंज जो जिनका अगर लिया जाएगा रक्त का या सीरिंज दी जाएगी उसके अगर कीड़े कीटाणु अगर कोरोना के उस जल में जाएंगे, वो जल के माध्यम से यहाँ के मनुष्य या प्रत्येक व्यक्ति के जल में से जो निकलेंगे इधर से गए जाएंगे, वो बीमारी व्याप्त होगी, चारों तरफ व्याप्त होगी और क्या स्थिति हो सकती है, क्या भयानक स्थिति हो सकती है। कृपया इस पर गौर करें, सरकार से भी निवेदन है इस पर गौर करें और सिद्ध जल्दीबाजी न करें जायसवाल को कन्वर्ट करने के लिए कोरोना में। मैं ये निवेदन करता हूँ, समाज की ओर से निवेदन करता हूँ, मारवाड़ी फेडरेशन की ओर से निवेदन करता हूँ, वैश्य फेडरेशन से निवेदन करता हूँ और एक राजनीतिज्ञ होने के नाते भी निवेदन करता हूँ। बहुत शुक्रिया। ये हावड़ा में कई हॉस्पिटल है जिसको कोरोना सेंटर बनाया गया है, ये एक मात्र हॉस्पिटल था जो कोरोना सेंटर नहीं था। यहाँ इलाके के लोग आके इलाज कराते थे लेकिन जैसा कि इन्होंने कहा कि सोशल मीडिया में उन्होंने घोषणा की है, ऐलान किया है कि इसे हम कोरोना सेंटर बनाएंगे, तो ये इलाके के लोग हैं, यहाँ काम करने वाले लोग भी हैं, सभी हैं, उनका कहना है कि हम इसको कोरोना सेंटर होने नहीं देंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू।